हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राधे राधे, मैं हूँ वंदना तिवारी। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार अपनी चैनल वंदना के व्यंजन में। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट लौकी का हलवा। बिना मावा, बिना दूध, बिना मिल्क पाउडर, ना ही घिसना, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। एक बार इस तरीके से आपने देख लिया तो बार बार इसी तरीके से हर रोज़ बनाकर खाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है एक लौकी, ये गोल वाली लौकी है। आप चाहो तो लंबी वाली भी ले सकते हो। और इसको लौकी को मैंने बीच में से काट करके इसके पतले पतले से पीस कर लिए थे और ऊपर से इसका छिलका निकाल लिया है। अब इसको जैसे सब्जी के लिए मैंने काटते हैं उसी तरीके से सारी लौकियों के पीस को मैंने काट लिया है। ये देखिए, सारे लौकी के टुकड़े से कर लिए हैं, छोटे बड़े जैसा आप चाहो वैसा काट सकते हो। अब इसे रखा है कुकर को गैस पर और कुकर में डाल दी है मैंने सारी लौकी अपनी कटी हुई। गैस की फ्लेम को रखना है मीडियम। सारी लौकी डालने के बाद में कुकर का ढक्कन लगा के इसे 3 से 4 सीटी इसमें आने देनी है। 3 से 4 सीटी में ही अच्छी तरह लौकी हमारी पक जाएगी। ये देखिए, मैंने 3 से 4 सीटी, 3 सीटी आई हैं मेरे में। और ये ढक्कन खोल के देखेंगे, ये देखिए चेक करेंगे हम अपनी लौकी को, हमारी लौकी अच्छी तरह पक चुकी है या नहीं। देखने में लग रहा है हमारी लौकी अच्छी तरह पक चुकी है। देखिए पानी भी इसका सारा सूख चुका है। अगर इसमें पानी रह जाता है तो आप गैस की फ्लेम को हाई करके इसका सारा पानी इसी में सुखा दीजिए। ये देखिए लौकी हमारी अच्छी तरह पक चुकी है। इसमें थोड़ा बहुत पानी और है, वो गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑन और गैस की फ्लेम हाई पर ही मैंने इसे अब इसका हलवा बना के तैयार किया है। सिर्फ जो हमें मीडियम फ्लेम पर पकानी है बस, फिर उसके बाद में हमें हाई फ्लेम ही रखना है गैस की। उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी मैंने अच्छी तरह सुखा दिया है और ये कलछी की मदद से ही मैंने इसे अच्छी तरह मैश कर दिया है। आप चाहो तो इसे मैशर से भी मिक्स कर सकते हो, नहीं तो ये कलची से ही अच्छी तरह मिक्स हो गई है। थोड़ी बचती है वो हमारी चीनी डालने के बाद में हो जाएगी। ये देखिए इसका जो पानी है वो भी अच्छी तरह सूख रहा है। अब इसमें पानी सूखने के बाद में मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच घी। 2 चम्मच घी डालने के बाद में मैंने 2 मिनट इसे हाई फ्लेम पर फिर से अच्छी तरह पकाया है। और देखिए चलाते चलाते में ही लौकी अच्छी तरह हमारी मैश हो गई है। 2 मिनट इसको अच्छी तरह चलाने के बाद में इसका सारा पानी है जो एक्स्ट्रा वो सूख जाएगा। उसके बाद में मैंने इसमें डाली है चीनी। मैंने इसमें 200 ग्राम के आसपास चीनी डाली है। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कम या ज़्यादा। गैस की फ्लेम को हाई रखना है। चीनी डालने के बाद में चीनी थोड़ा पानी छोड़ेगी, उसे भी हाई फ्लेम पर ही पानी को अच्छी तरह सुखा देना है। और इसे मैंने कलछी से ही अच्छी तरह मिक्स करती गई हूँ मैं। पानी भी सूखता जा रहा है इस तरीके से और हमारी जो लौकी है जो रह गई है वो भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगी। ये देखिए फिर से इसका पानी सूखने तक इसे अच्छी तरह हाई फ्लेम पर ही चलाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी इसमें से। अब इसमें मैंने डाली है 1 बड़ी चम्मच मलाई। ये ताज़ी मलाई है अभी दूध की निकाली हुई। ये देखिए मैं इसमें ताज़ी मलाई का ही यूज किया है, इससे बिल्कुल मावा वाला टेस्ट आने वाला है। मलाई डाल के अच्छी तरह कर दीजिए मिक्स। 2 मिनट फिर से हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह पका दीजिए और तैयार है हमारा गर्मा गर्म लौकी का हलवा। बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ था। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसा बना आपका हलवा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि मैं आने वाले हर आसान तरीके से आपको बता सकूं। ये मैंने डाल दिया है इसमें 2 चुटकी इलायची पाउडर और ये तैयार है हमारा हलवा, बहुत ही स्वादिष्ट। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आप, बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। एक बार तरीका देख लोगे तो रोज़ रोज़ आप यही बनाओगे। ऊपर से डाल दिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट, जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हो वरना इसको भी कर सकते हो। ये देखिए तैयार है हमारा लौकी का हलवा, बहुत ही स्वादिष्ट। वाह यम्मी, चलिए फटाफट से जाइए और बनाइए।